धर्मेंद्र से लेकर एआर रहमान ने आखिर क्यों हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपना लिया, आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन पांच एक्टरों के बारे में। नंबर वन, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए किया था, इसीलिए उन्होंने अपने हिंदू धर्म को बदलकर मुस्लिम धर्म को अपना लिया। नंबर टू, एआर रहमान। ऑस्कर विनर रहे एआर रहमान का पहले नाम दिलीप कुमार था। एआर रहमान ने अपना धर्म हिंदू से मुस्लिम में बदला तो अपना नाम अल्लाह राखा रहमान यानी कि एआर रहमान कर लिया। नंबर तीन, शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर जो सैफ अली खान की माँ है, उन्होंने मंसूर अली खान पटौती से शादी की। शादी के बाद शर्मिला टैगोर ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। नंबर चार, नरगिस दत्त। संजय दत्त की माँ नरगिस दत्त ने सुनील दत्त से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर निर्मला दत्त रख लिया। नंबर पाँच, अमृता सिंह। अमृता सिंह सिख धर्म से आती है। सैफ अली खान से शादी करने के लिए अमृता ने इस्लाम धर्म अपना लिया। हालांकि 13 साल बाद दोनों का तलाक हो गया और सैफ अली खान ने करीना कपूर से दूसरी शादी कर ली।